Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अगर आप गामा पहलवान को गूगल करेंगे तो आपको बताएगा कि गामा पहलवान जीवन में किसी से नहीं हारे, लेकिन ये सत्य नहीं है। गामा पहलवान का असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। भारत विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में आकर बस गए थे और बड़ौदा के संग्रहालय में एक पत्थर रखा है जिसका वजन लगभग 1200 किलो है। 23 दिसंबर 1902 को इतने भारी पत्थर को उठाकर गामा पहलवान कुछ कदम चले थे। एक अकेले आदमी की 1200 किलो का पत्थर उठाने का अजूबा करने वाले पहलवान का नाम था गामा पहलवान। आज भी वो पत्थर बड़ौदा में रखा हुआ है, लेकिन उस गामा पहलवान को जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सका, उसे हराया मथुरा की प्रसिद्ध पहलवान चंद्रसेन टिक्की वाले ने, जो मथुरा के प्रसिद्ध मोहन पहलवान के पिता थे। ये सारा किस्सा आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट पर तो सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। मथुरा के प्रसिद्ध बलदेव पहलवान ने अपनी उम्र बढ़ने के कारण मथुरा के ही चंद्रसेन टिक्की वाले को बोला कि तुम अभी जवान हो, तुम जाकर गामा पहलवान से लड़ो। चंद्रसेन टिक्की वाले ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, मैं नहीं जा पाऊंगा कलकत्ता लड़ने। तो बलदेव जी ने कहा कि तुम्हारे लंगोट पर मैं 5000 रुपये लगाता हूँ। ये सुनकर चंद्रसेन टिक्की वाले जोश में आ गए और बोले, अब तो गुरु जाना ही पड़ेगा। चंद्रसेन टिक्की वाले कलकत्ता पहुँच गए और गामा पहलवान से कुश्ती की बात रख दी। पर खरीद परोक्त खेलों में आज ही नहीं, पहले भी होती थी और उनको भी कहा गया कि तुम मत लड़ो। चंद्रसेन टिक्की वाले लंबाई चौड़ाई में गामा पहलवान से दुगने नहीं तो डेढ़ गुने तो रहे ही होंगे, पर चंद्रसेन पहलवान ने मना कर दिया कि वो जुबान देकर आए हैं, लड़कर ही जाएंगे। कुश्ती शुरू हुई, अखाड़ा सजा। कुश्ती शुरू होते ही गामा पहलवान ऐसा दांव खेले कि चंद्रसेन पहलवान का अंगूठा चीर दिया, अंगूठे और हाथ को पकड़ कर खींच दिया और वहाँ दंगल में खून ही खून हो गया। चंद्रसेन जी को ये बात समझ नहीं आई कि कुश्ती में ऐसा काम नहीं किया जाता है और ये कैसी कुश्ती थी। उन्होंने फिर एक दांव खेला और ऐसा खेला कि गामा पहलवान उसी दांव में बेहोश हो गए। लोग बड़े खुश हुए कि जिस पहलवान को पूरे भारत में कोई नहीं हरा पाया, उसे हराया मथुरा का एक पहलवान ने। पूरे कलकत्ता में जुलूस निकला। दानदाता और खेल के प्रशंसकों ने पोटियां खोल दी और लाखों रुपए का इनाम चंद्रसेन टिक्की वाले को मिला। कहते हैं उन्होंने वापस मथुरा आकर 16 कोठियां और मकान खरीदे। तो जिसने 1200 किलो का पत्थर उठा लिया और पूरे भारत और दुनिया में रुस्त में हिंद और रुस्त में जहां का खिताब जीता, उसे चंद्रसेन टिक्की वाले ने हरा दिया। तो चंद्रसेन टिक्की वाले कौन हुए? बलि नहीं तो वशिष्ठ। बलियों में भी बलि बलिष्ठ यानी महाबली आप कह सकते हैं। ऐसे ही वशिष्ठ माने क्या, जो वशियों में श्रेष्ठ है, जो वशिष्ठ है। ऐसे ही धर्मिष्ठ कौन, धर्म में जो श्रेष्ठ हो वो धर्मिष्ठ। महिष्ट माने तो महानों में भी महान है वो महिष्ट, और जो गुरुओं में भी गुरु वो है गरिष्ठ। अब मजेदार बात ये है कि आप गूगल करेंगे तो आपको चंद्रसेन टिक्की वाले के बारे में एक लाइन भी नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे कहना पड़ा, मैंने कह दिया। इसको शेयर करना या नहीं करना वो आप जाने। अब ये सब बात मुझे कैसे पता चली, इसका सार ये है कि जियो केले के पात में, पात पात में पात, त्यों सनातन की बात में और बात बात में बात। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.